तो सरकार का हिस्सा है। तो हमारी कभी ऐसी सोच नहीं रही, उन्होंने किस वजह से इतना एक्सट्रीम जाने की सोची इसका तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को लेके बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है सरकारी कर्मचारियों को लेके, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्या उनको भी वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि मंगलवार तक का उन्होंने समय दिया है, अगर वार्ता के लिए मुख्यमंत्री बुलाते हैं कोई बातचीत। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये बातें पहले देखनी चाहिए थी, जैसे और लोग आए हैं जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2.5-3 लाख है, एनजीओस उसमें सबसे बड़े फेडरेशन या एजुकेशन वाले दूसरे हर डिपार्टमेंट के लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिले, उनके नुमाइंदे, उन्होंने यही तो चैनल किया कि वो कई दिनों से मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग रहे थे मिलने का। जो मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं, अभी आगे सेशन है, सेशन को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है। हमारे ये बिल्कुल, मैं एक बार फिर से बात कर दूं, आप कर्मचारी सरकार सेक्रेटरीट में काम करता हो, सर कर्मचारी किसी विभाग में काम करता हो, किसी बोर्ड कॉरपोरेशन में काम करता हो, हमारे लिए सब अपने भाई हैं, हमारे अपने साथी हैं, अपने परिवार के लोग हैं। कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही जिस सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया हो, ओपीएस देना कोई आसान काम नहीं था, जिसको भारत सरकार मना कर रही हो, कोई राज्य नहीं कर रहा हो, वो काम हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं इसका जवाब चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार कर्मचारी हितेशी नहीं है? आप भी पूछें उनसे जरूर कि क्या ये कोई बड़ा काम नहीं था? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना बहुत बड़ा फैसला था। आप समझे कि हमारी तो 18 महीने के टाइम में हम सब जगह सुनते रहे कि लोगों ने इसकी तारीफ भी की, हर कर्मचारी में, हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन हुए और इलेक्शन आए, सब जगह इन्होंने बड़े भाषणों में बोला कि ऐसी सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे लिए किया है। तो ये थोड़ी कोई गलत फहमी इनके बीच हुई या इनके बीच कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भड़काना चाहते हैं, अब ये मुझे इसकी इतनी बड़ी जानकारी, कोई भी हो सकता है, होते हैं बीच में, हर जगह होते हैं। वो तो मुख्यमंत्री से उस सरकार के जिसने करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि यार हमने जो वादे किए होते हैं चुनी हुई सरकार में, वो 5 साल के लिए, वो जनता भी जानती है कि ये 5 साल के लिए हमने चुनी और 5 साल के अंदर इन्होंने जो प्रॉमिस है उसको पूरे करेंगे, लेकिन नहीं,